हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ श्रद्धा। आपका मेरे किचन में स्वागत है। आज हम बनाने जा रहे हैं स्प्राउट सैलेड। स्प्राउट सैलेड बहुत ही हेल्दी होता है और सारे हम स्प्राउट्स, चना, मूंग, ये सब हम हेल्दी प्रोटीन वाली चीज़ें सब लेंगे, स्प्राउट्स करेंगे हम। तो हम बनाना स्टार्ट करेंगे। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले सब्सक्राइब करिएगा और पूरा वीडियो लास्ट तक देखिएगा। तो चलिए हम बनाते हैं। ये मैंने 1 कप चना और 1 कप मूंग लिए हैं। ये दोनों को मैंने एक एक कप लिए हैं। इसको मुझे भिंगाना है। तो मैं मूंग और चना दोनों को हम भिंगाएंगे 5 घंटे के लिए। तो 5 घंटे के लिए इसे भिंगा के रखेंगे। आप चाहें तो ओवरनाइट भी भिंगा सकते हैं, पर ये 5 घंटे में भींग जाते हैं। तो ये देखिए, हमने मूंग में पानी डाले। अब हम चना को भी पानी डाल के इसे 5 घंटे के लिए छोड़ देते हैं। अगर आप 5 घंटे नहीं कर सकते तो ओवरनाइट भी भिंगा सकते हैं। ये हमारा भींग चुका है, चना और मूंग दोनों। तो अब हम इसका पानी निकालेंगे दोनों के। और एक हमने कॉटन के कपड़े लिए हैं। आप कोई भी चाहे तो कपड़े ले सकते हैं। तो मैंने दुपट्टा वाला कपड़ा लिया है। तो इसे हम कपड़े में बांधेंगे। बांध के हमें इसे 2 दिन तक रखना है। ऐसे भी चना में स्प्राउट्स होने में 2 दिन तो लगते हैं। और हमें कपड़े में मॉइस्चर बनाना है तो हल्के हल्के से पानी के छींटे देते रहने हैं दिन में 2 बार। ये मैंने बांध लिए। इसे हमें टैप के ऊपर या कहीं भी लटकाने वाली जगह में आप इसको लटका सकते हैं। इसे छोड़ दीजिए अब हम 2 दिन के लिए। फिर ये देखिए, हमारा चना कितना अच्छा स्प्राउट हो चुका है। इस पे स्प्राउट बहुत अच्छे हो गए हैं। ये हम चना ले लिए और ये मूंग में भी देखिए कितने अच्छे से स्प्राउट हो गया है। मूंग हमारा 1 दिन में स्प्राउट हो जाता है, चना में ही टाइम लगता है। तो हम सब इसी तरह से हम सब डालेंगे। अब हम पनीर डालेंगे। पनीर भी मैंने घर पे ही बनाया है। और ये रहा हमारा कच्चा आम। कच्चा आम मैंने छोटे एक आम कट कर लिए थे, हाफ ही लिए थे। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं। अब हम इसमें डालेंगे ऑनियन। ये मैंने 2 छोटे ऑनियन लिए थे, चॉप कर लिए थे। इसे भी हम डालेंगे। और ये टोमेटो है, 2 छोटे टोमेटो भी मैंने चॉप कर लिए हैं। इसे भी हम डालेंगे। और ये धनिया पत्ती हम डालेंगे। हमें धनिया पत्ती पूरा नहीं डालना है, थोड़ा सा धनिया पत्ती हमें गार्निशिंग के लिए रखना है। अभी हम पीनट लिए हैं। ये पीनट को मैंने रोस्ट कर लिए है और इसके छिलके भी निकाल लीजिएगा, थोड़े डालिएगा, थोड़े गार्निश के लिए रखिएगा। अब हम इसमें डालेंगे ग्रीन चिली। ग्रीन चिली आप अपने अकॉर्डिंग डाल सकते हैं, तीखा कैसा पसंद हो। और हम इसमें डालेंगे 1/2 छोटी चम्मच हम ब्लैक पेपर डालेंगे। और अब हम इसमें डालेंगे अमचूर पाउडर और काला नमक, दोनों हमें डालना है। काला नमक लेंगे तो ज़्यादा ठीक रहेगा इसमें। और ये हमारा 1 नींबू का रस, हमने नींबू के रस निकाल लिए थे। अब इसे हमें अच्छे से इसे मिक्स करते रहना है। 2 मिनट तक अच्छे से इसे मिक्स करना है। पूरे सब जितने भी हमने सब सामान डाले अच्छे से ये मिक्स हो जाने चाहिए हमारे स्प्राउट्स में। नींबू के रस से भी इसका टेस्ट भी बहुत अच्छा हो जाता है। तो आप नमक, वैसे मैंने थोड़े से नमक डाले हैं, 1/2 चम्मच, 1/2 छोटे चम्मच। आप अपने अकॉर्डिंग आप टेस्ट करके देख सकते हैं, नमक तो डाल सकते हैं नमक स्वाद अनुसार जो। अभी इसे हमें अच्छे से मिक्स करना है। तो मैंने 2 छोटे चम्मच लिए हैं, मिक्स कर लिए हैं। एक बार 1 चम्मच निकाल के फिर 2 चम्मच से अच्छे से मिक्स कर लिए हैं। तो ये हमारा स्प्राउट अच्छे से मिक्स हो गया है। ये बिल्कुल एकदम खाने के लिए रेडी हो गए हैं। अब हम इसे खा सकते हैं। अब इसे हम सर्व कर लेते हैं। ये मैं सर्व कर लूँगी, इसी तरह से सर्व कर लिए। अब इसे हम थोड़े से पीनट डालेंगे गार्निशिंग के में। और थोड़े से हम धनिया पत्ती, जो मैंने थोड़े से रखे थे धनिया पत्ती, इसे भी हम गार्निश कर लेते हैं। ये हमारा स्प्राउट्स बनकर तैयार हो गया है। हेल्दी प्रोटीन सैलेड स्प्राउट्स बनकर तैयार हो गए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो मेरे चैनल को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, कमेंट में मुझे बताइएगा कैसा बना आपका।